नमस्कार साथियों, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपको नई दिल्ली के इंडिया गेट पर, जो कि आप सब जानते ही होंगे, मोस्टली पॉपुलर हैं। इसके साथ ही आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये एक राष्ट्रीय समर स्मारक है। ठीक इसके जस्ट आगे इंडिया गेट बना हुआ है। सारी जानकारी इस वीडियो में आप देखिएगा। यह केवल दिल्ली का ही इंडिया गेट नहीं है, बल्कि मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक है, क्योंकि इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 70 से 90 हजार सैनिकों के खून से सन जाने के बाद उनकी याद में किया गया है। इसकी मुख्य मेहराब के नीचे हमेशा ही यह एक आग सी जलती रहती है। यह कोई आम ज्योति नहीं है, बल्कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की याद दिलाती रहती है। प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लगभग 80 से 90 हजार सैनिकों ने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने में अपनी जान गंवा दी थी। इन्हीं सैनिकों के सम्मान के लिए इंडिया गेट का निर्माण किया गया है। इंडिया गेट की दीवारों पर इन सैनिकों के नाम आज भी लिखे हुए हैं, जिसे आप कभी यहाँ घूमने आए तो देख सकते हैं। आज़ादी से पहले इंडिया गेट के सामने सिर्फ किंग जॉर्ज वी की ही प्रतिमा स्थापित थी, जिसे बाद में आज़ादी के बाद हटा दिया गया था। आज़ादी के बाद इंडिया गेट में कुछ संशोधन भी किए गए हैं। इन संशोधनों के कारण गेट भारतीय सेना के सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बन चुका है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के समय अपने जीवन को ही गंवा दिया था। अमर जवान ज्योति यानी अमर योद्धाओं की लो 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान के लिए बहुत बाद में बनवाई गई थी। अमर जवान ज्योति काले संगमरमर से बनी गई है और इसके ऊपर एक बंदूक और एक सैनिक की टोपी रखी गई है। हालांकि ऐतिहासिक महत्व अभी भी स्मारक से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस वक्त इंडिया गेट के परिसर में ही मैं मौजूद हूं और यहां पर इंडिया गेट के जस्ट पूरे परिसर में ही आप मेरे पीछे देख सकते हैं राष्ट्रीय समर स्मारक। इसका निर्माण सशस्त्र बलों को सम्मानित करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। काफ़ी खूबसूरती के साथ इसे बनाया गया है और आसपास लगभग बहुत सारी जगह में फव्वारे वगैरह इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। अगर बात करें इसके निर्माण की, तो इसे गेट एडविन लैंडसियर लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था और इसका निर्माण 1931 में पूरा हुआ। शुरुआत में इस स्मारक का नाम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल रखा गया था। यह स्मारक पेरिस के आर्क डी ट्रोम्फ से अवतरित है। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से किया गया है। इंडिया गेट की ऊंचाई 42 मीटर है और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के दिन भारत के राष्ट्रपति और कई अन्य मुख्य राजनीतिक नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों को इंडिया गेट के नीचे स्थित अमर जवान ज्योति पर उन शहीदों के समर्पण को याद करते हुए आपने कई बार देखा होगा। इसके आसपास के लॉन, फुव्वारे और राष्ट्रपति भवन के दृश्य के कारण इंडिया गेट कई दिल्ली वासियों के लिए एक पिकनिक स्थल भी बन गया है। दोस्तों, इंडिया गेट पर भोजन और मौसम का आनंद ले रहे कई परिवारों को देखने के लिए शनिवार या रविवार की शाम इंडिया गेट पर आप भी आए और कई बच्चों को भी आप वहां आइसक्रीम, फूड, चाट, शीतल जल वाले विक्रेताओं के आसपास आनंद लेते हुए देख सकते हैं। आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई के चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके आपकी राय जरूर दीजिएगा।